तो हेलो फूडी पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल फूडी भाईजान। तो आज हम आए हैं नेमनाम गुलशन, यहाँ पर इनकी फेमस कचौड़ी की थाली टेस्ट करने। गाइस, अगर आप कभी नेत्रा मूलचंद जी के यहाँ कचौड़ी खाने जाएंगे तो पहले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कहाँ सीट खाली है। मतलब इतनी ज़्यादा उनकी कचौड़ी थाली फेमस है कि लोग यहाँ पे लाइन लगाते हैं कचौड़ी के लिए। तो चलिए आइए, अब हम लोग देखते हैं कि इनके यहाँ की फेमस कचौड़ी कैसे बनती है, वो भी शुद्ध देसी घी में। गाइस, नेत्रा मूलचंद जी की कचौड़ी बाकी सब कचौड़ियों से अलग इसलिए है क्योंकि वो एक अलग तरह की फिलिंग यूज करते हैं अपनी कचौड़ियों में। तो गाइस, देख सकते हैं आप, ये है कचौड़ी और ये है देसी घी जिसमें कचौड़ी अब ये तलने वाली है। इसको हाफ करेंगे और अब ये हाफ फ्राई होगी, फिर जब लोग जैसे जैसे ऑर्डर करते जाएंगे वैसे वैसे इसे दोबारा से फ्राई करके उन्हें सर्व कर दिया जाएगा। ये क्या है, जलेबी? हाँ, जलेबी। ये इनकी फेमस थाली हम लोग टेस्ट करते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं। चलिए आइए। तो गाइस, चलिए अब हम टेस्ट करते हैं नेत्राम की स्पेशल थाली। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस है 90 रुपये पर प्लेट और इसके अंदर आपको मिलती है ये चार कचौड़ी, ये है छोले की सब्जी, ये है आलू दम, ये है इमली चटनी, ये है रायता और साथ में एक सब्जी और मिलती है आलू गोभी की। तो चलिए आइए अब इसे टेस्ट कर देंगे, इसका टेस्ट कैसा। गाइस, ये देख सकते हैं आप कचौड़ी, इसके अंदर फिलिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए आइए अब इसे टेस्ट करते हैं, पहले आलू दम के साथ टेस्ट करते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लजीज भी है। अब इसे टेस्ट करते हैं छोले की सब्जी के साथ। ये देखिए छोले की सब्जी, और जो गाइस रायता है वो तो वाकई में इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसे टेस्ट करते हैं कचौड़ी को आलू गोभी की सब्जी के साथ। गाइस, जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत ही कमाल का टेस्ट है, सारी चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। गाइस, जो ये कचौड़ी देख रहे हैं आप, ये बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची भी है और साथ में जितनी ये सिंपल थाली है उतना ही बेहतर इसका टेस्ट है। तो गाइस, अगर आप लोग को यहाँ की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फूडी भाईजान।